हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बच्चों और बड़ों सबके फेवरेट आलू के पराठे। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले आलूओं को बॉईल किया है। आलू आपके ताज़े बॉईल किए हुए होंगे तो आपके पराठे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। हमने यहाँ 3 मीडियम आकार के आलू लिए हैं, इन्हें हमने बॉईल करके मैश किया है। अब हम इसमें डालने के लिए आधा प्याज काट लेंगे। प्याज आप जितना बारीक काटेंगे उतना आपको पराठे बेलने में आसानी होगी। इसके साथ ही हमने 2 हरी मिर्चें काटी हैं, ये भी आपको बारीक काटनी है। और इसके साथ में ताज़ा हरा धनिया ले लीजिए, ये भी हमने स्टफिंग में डालना है इसलिए बारीक बारीक काट लिए हैं। अब ये तीनों चीज़ें हम अपने आलू में मिला लेंगे। अब हमें इसमें नमक डालना है, जो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपके आटे में नमक नहीं है तो आप इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। इसके साथ में 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाला है मैंने, और काली मिर्च का पाउडर चाहिए अपन को 1/4 टीस्पून। ये अजवाइन है, ये भी 1/4 टीस्पून लिया है मैंने, और इसके साथ में चाट मसाला है 1/4 टीस्पून। और ये फ्राइड अनियंस हैं, जो आप पहले से फ्राई करके रख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने जो आटा गूंदा है उसमें थोड़ा सा नमक और घी डाला हुआ है। इसे आपको नरम आटा ही गूंदना है, जैसे रोटी का आटा होता है। इससे रोटी से थोड़ा बड़ा साइज़ का अपन को बॉल लेके उसे थोड़ा बेल लीजिए। बहुत बड़ा नहीं करना है, छोटे साइज़ में ही बेलना है, क्योंकि हमें इसके अंदर अभी स्टफिंग भरनी है। इसे हाथ में यूँ रख के इसमें आप 2-2.5 चम्मच करीब स्टफिंग डाल सकते हैं। स्टफिंग आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पराठों में मज़ा आएगा। अब इस स्टफिंग को उंगलियों से अंदर दबाते हुए आटे को चारों तरफ से सील कर लीजिए। ये आपकी लोई तैयार है। अब इसमें हम दोनों तरफ सूखा आटा लगा के इसे बहुत ही हल्के हाथों से बेलेंगे। आलू के पराठे बनाने के लिए एक खास टिप ये है कि आपको आटा ताज़ा गूंदना है, और साथ में आलू भी आपके ताज़े उबले हुए होने चाहिए, तो आपके पराठे जो हैं वो फटने के चांसेस कम होंगे। फ्रिज में रखा हुआ आटा कड़ा हो जाता है, जबकि हमारा उबला हुआ आलू नरम होगा, वो बेलते समय बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हमारा पराठा बिल के तैयार हो चुका है। अब हम इसे गर्म तवे में डाल देंगे। तवे में आप चाहें तो थोड़ा घी भी डाल सकते हैं पहले। 2 मिनट में पराठा हमारा एक साइड से थोड़ा सा सिक जाएगा, तब हम इसे पलट लेंगे। 2-3 मिनट बाद जब दूसरी साइड से ये करीब पूरा सिक जाए, तब हमें पलट के इसमें घी लगाना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा फूला हुआ पराठा बन रहा है आपका। इसे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही फूल जाएगा। इसे दूसरी तरफ पलट के दूसरी तरफ भी घी लगा सकते हैं। साइड से थोड़ा सा दबा के चारों तरफ से इसे पका लीजिए। यह हमारा पराठा बनके तैयार है। इसी तरह हम अपने दूसरे पराठे भी तैयार कर लेंगे। अब इन गर्मा गर्म आलू के पराठों का मज़ा आप दही, अचार या फिर चटनी के साथ ले सकते हैं। साथ में ऊपर 1 चम्मच बटर भी ज़रूर डालिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।